everyone. Welcome to Study IS. Very good evening to all of you guys. Good evening to everyone. I hope I am audible and visible to you perfectly. Just let me know in the comment section that I am audible and visible to you. मैं अंकिता जिंदल और आज की क्लास में हम लोग एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की फुल लास्ट वन ईयर का जो करंट अफेयर है वो हम यहाँ पे कवर अप कर रहे हैं फॉर द अपकमिंग ईयर प्रीलिम्स 22 के लिए, राइट तो ये सीरीज आपकी कल से स्टार्ट हुई है. सो वी आर डूइंग द सेकेंड पार्ट टुडे. तो आज की क्लास अपनी सेकेंड क्लास इज प्रेजेंटेड बाय मी अंकिता जिंदल. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहली इन्फॉर्मेशन अनअकैडमी से यूपीएससी टॉपर्स हमें मिले हैं 2020 के रिजल्ट में, जैसे कि ईयर 9, 10, 13 एंड मेनी मोर. इसी तरह अगर आप लोग अनअकैडमी से जुड़ते हो उनके साथ और कोर्स को कंप्लीट करते हो तो यू विल बी ऑल्सो हेयर गाइस, ठीक है. तो बहुत अच्छे से तैयारी करिए. यूपीएससी का एनुअल प्राइस हाइक हो रहा है. आप लोगों की पॉपुलर डिमांड पे इस चीज़ को एक्सटेंड कर दिया गया है और 23 दिसंबर से प्राइस हाइक हो रहे हैं. तो आप लोगों को इसे ज़रूर ज्वाइन करना है. हाय अनिश, गुड इवनिंग. अब मुझे बताओ कि ऑडिबल विजिबल सही है क्या. इसके साथ यूपीएससी सीएससी बैच 22 दिसंबर से कल से कुछ स्टार्ट हो रहे हैं. आप लोगों को ज़रूर एनरोल करना है. जैसे कि आप देख रहे हो 22 के लिए इंग्लिश में और हिंदी में और 23 के लिए इंग्लिश में और हिंदी में बकायदा बैचेज जो है वो फुल्ली लॉन्च हो रहे हैं, जहाँ पे आपको कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, ठीक है. और भी चीज़ें आप फैसिलिटी आपको मिलेंगी. ऑप्शनल का कार्निवल है. 4 ऑप्शनल कोर्स लॉन्च हुए थे 15 दिसंबर के लिए. ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए आप लोगों को. फ्री टेस्ट सीरीज़ है. मृणाल मंडे टेस्ट सीरीज़ है. हर मंडे को शाम 8 बजे ये टेस्ट सीरीज़ होती है. यू मस्ट ज्वाइन. T20 करंट अफेयर टेस्ट सीरीज दिसंबर मंथ के लिए चल रही है और अभियान की डेली स्टैटिक क्विज चल रही है जो मंडे टू फ्राइडे होती है 10 AM पे. तो यू हैव टू बी ज्वाइन एवरी टाइम. इसके साथ यूपीएससी सीएससी मेगा कॉम्बैट आपको हर संडे मॉर्निंग 11 AM होता है. तो यू हैव टू बी ज्वाइन एंड यूजिंग स्टडी आईएस कोड ईजी एक्सेस आपको मिल जाएगा. लिंक यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. और अगर आप लोगों को सब्सक्रिप्शन लेना है तो उसके लिए भी आपको स्टडी आईएस का रेफरल कोड इस्तेमाल करना है एंड यू विल गेट द फर्दर फ्लैट 10% डिस्काउंट आपको यहाँ से मिल जाएगा. ओके इसके साथ न्यूज़ को स्टार्ट करते हैं और अपनी पहली न्यूज़ है अपने एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की. गुड इवनिंग अनिश, हेमंत, मलय, विशाल, फ्यूचर, गुड इवनिंग. चलिए बढ़िया है. पहली न्यूज़ अपने सामने आती है अबाउट द न्यू एमिशन नॉर्म्स फॉर द कोल फायर्ड पावर प्लांट के लिए. गाइज कोयले के बारे में न्यूज़ आजकल भी चल रही है, रीसेंट केस में भी चल रही है. आंध्र प्रदेश के अंदर, मैं आपको रीसेंट न्यूज़ से अपडेट करा देती हूँ. आंध्र प्रदेश के अंदर एक कोयले से फैक्ट्री है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, जिसको बोला गया है कि उसको प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा. बट वहाँ के जो वर्कर्स हैं वो इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि प्राइवेटाइज करने के बाद हज़ारों जो लोग हैं उनकी नौकरी जा सकती है और उनकी फर्दर एरिया के कंसर्न होता है, उस एरिया के एनवायरनमेंट भी एक समस्या होगी क्योंकि भाई प्राइवेट कंपनी को प्रॉफिट चाहिए. दे विल नॉट थिंक अबाउट द एनवायरनमेंट, ठीक है. तो एक रिसेंट न्यूज़ में ये वो भी चल रहा है. तो लेट्स हैव अ लुक कोल फायर्ड पावर प्लांट के बारे में. मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने एक डेडलाइन पेश की थी थर्मल पावर प्लांट के लिए 3 सालों तक कि भाई एमिशन नॉर्म्स का 3 सालों तक ही चल जाएंगे. बैकग्राउंड की बात करें तो 2015 में एनवायरनमेंट जो मिनिस्ट्री है उन्होंने एनवायरमेंटल नॉर्म्स कुछ स्पेशल केमिकल्स के लिए, कुछ स्पेशल पॉल्यूटेंट्स के लिए निकाले थे, जैसे कि पार्टिकुलेट मैटर के लिए, सल्फर ऑक्साइड के लिए, नाइट्रोजन ऑक्साइड के लिए, मरकरी एंड वाटर के लिए, कि भाई अगर कोल बेस्ड टीपीपी यूज़ होते तो इन सब चीज़ों के लिए इस्तेमाल हुए थे. ये था पुरानी चीज़ में. इंडिया ने सेट की है 2017 की एक डेडलाइन थर्मल पावर प्लांट के लिए. अब इंस्टॉल करने की बात की जा रही है फ्ल्यू गैस डीसल्फराइजेशन, यानी कि आप लोग सल्फर का इस्तेमाल नहीं करोगे जिसकी वजह से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है. और ये अभी के लिए डेडलाइन को आगे के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है 2022 तक. ओके चलिए 2022 के दिसंबर, यानी कि एक और साल हमें मिल रहा है. और ये सारी किसकी रिकमेंडेशन पे की गई है. इट वॉज ऑल डन बाय द ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द CPCB, यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए सल्फर को कम किया जा रहा है एनवायरनमेंट में से, इसीलिए ये रिकमेंड किया गया. और CPCB एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, 1974 में बनी थी वाटर एक्ट के तहत. वाटर प्रिवेंशन एंड पोल्यूशन एक्ट है उसके तहत ये बनी थी. बी रिमेंबर इट इज ऑर्गेनाइजेशन मेड बाय द एक्ट, मतलब एक कंस्टिट्यूट की गई थी एक्ट के तहत, ठीक है, वैसे कोई नॉर्मल बॉडी नहीं है। और इसके बारे में प्रीलिम्स में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। इसके पास पावर्स और फंक्शंस एयर एक्ट के तहत आई थी, कि भाई इसकी जो मैंने आपको याद करने का तरीका भी बताया था कि ये जो काम करती है ना वो हवा में काम करते हैं, यानी कि इसके अच्छे काम नहीं होते, पॉल्यूशन बढ़ रहा है इतना रोकने का काम नहीं कर रही, हवा में काम करते हैं, यानी कि इसके जो फंक्शन है वो एयर एक्ट के तहत 1981 के तहत मिलते हैं। ये सिर्फ मैंने आपको याद करने के लिए बताया, ठीक है। सो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट मिनिस्ट्री के तहत इसको सारी फॉर्मेशन वगैरह सब कुछ हुआ है, लेकिन पावर्स इसको एयर एक्ट के तहत दी गई है। क्लियर हो गया सबको। नेक्स्ट आते हैं न्यू फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन रूल फॉर द थर्मल पावर प्लांट। फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन की बात की गई है, नया जो थर्मल पावर प्लांट के लिए डेडलाइन है उसके बारे में। सेंटर ने इस चीज़ को मैंडेटरी कर दिया है, सभी कोयला या फिर इससे जुड़े हुए जितने भी पावर प्लांट हैं कि भाई तुम फ्लाई ऐश का 100% जो फ्लाई ऐश जो रेसिड्यू बचता है ना उसका तुम 100% यूटिलाइजेशन करोगे, कब से कब तक? 3 से लेके 5 साल तक। समझे बात को? डेडलाइन क्या है? 3 से लेके 5 साल के तक के बीच में आपको 100% यूटिलाइजेशन करना है। फाइन, अदरवाइज यू विल बी हैव टू पे 1000 रुपीज़ पर टन आपको पे करना होगा अगर आप लोग ऐश को इस्तेमाल नहीं करते हो। ऐश को आप लोग लीगेसी ऐश के नाम से भी जाना जाता है। फाइन, और जो कलेक्टेड फाइन्स विल बी डिपॉजिटेड इनटू द डेजिग्नेटेड अकाउंट और द सीपीसीबी के पास सब इसको जमा करा दिया जाएगा और 100% सस्टेनेबल बेसिस पे यूटिलाइज करने की बात की गई है। फाइन, व्हाट इज अ फ्लाई ऐश नाउ? लेट्स हैव अ टॉक ऑन दैट थिंग। फ्लाई ऐश क्या चीज़ है? जब आप लोग कोयले को जलाते हो तो उसके बाद जो राख बनती है ना, उसके बाद जो फाइन पाउडर होता है, बिल्कुल महीन सा पाउडर बनता है, दैट इज नोन एज अ फ्लाई ऐश दैट मेक्स अ पोल्यूटेड करती है एनवायरनमेंट को। जब बैग फिल्टर्स उन सब की थ्रू जब उसको कलेक्ट किया जाता है। गुड इवनिंग प्रीति। इट रिजेंबल पोर्टलैंड सीमेंट बट इट्स केमिकली डिफरेंट। इट्स यूज इन कंक्रीट एंड सीमेंट प्रोडक्ट रोड बेस्ड मेटल रिकवरी। गवर्नमेंट ने कहा है कि जो फ्लाई ऐश है वो दिखती पोर्टलैंड सीमेंट के जैसी है लेकिन उसके मिनरल्स और उसके फीचर्स अलग हैं, इसीलिए फ्लाई ऐश एनवायरनमेंट में ज़्यादा ना हो, इसीलिए आप इसको रोड कंस्ट्रक्शन में या बिल्डिंग बनाने में या सीमेंट में इसको मिक्स कर लो, कंक्रीट में इस्तेमाल कर लो, एटलीस्ट इसका आपको 100% यूटिलाइजेशन करनी होगी। क्लियर है? क्लियर है? गुड इवनिंग प्रीति। फ्लाई ऐश टॉक्सिक होती है ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स की वजह से और इसके अंदर हैवी मेटल्स होते हैं जिसकी वजह से जहरीली या मतलब नुकसानदेह होती है, टॉक्सिक होती है। नेक्स्ट न्यूज़ अपने सामने आती है भाई मरीन लिटर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। पिछले साल जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट था तो हमने प्लास्टिक पोल्यूशन की बात की थी, इनटू द ओशन के बारे में बात की थी और वही कुछ थीम भी हमने रखी थी। दैट्स वाई इट क्वाइट इम्पॉर्टेंट। लेट्स हैव अ लुक ऑन द सेम। हाँ जी, हाँ जी, आप देखो कंट्रीज ओशियंस जहाँ जहाँ पे पड़ते हैं उन्होंने डिसाइड किया है कि मरीन या समुंदर के अंदर जो भी प्लास्टिक से जुड़ी हुई जितनी भी लिटर है, लिटर से मतलब क्या है कि जो भी छोटे छोटे प्रोडक्ट हैं या प्लास्टिक बॉटल्स हैं, वो सब चीज़ें हैं, वो एक प्रोजेक्ट के तहत उनको हम लोग टैकल करेंगे या उससे हम निजात पाएंगे। ठीक है, उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? ग्लो लीटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। कि भाई लिटर को हटा के हम ग्लो लेकर आएंगे, ओशन में चमकदार लेकर आएंगे। गुड मॉर्निंग विश्वजीत, गुड इवनिंग हो गई है भाई, पढ़ते पढ़ते अभी उठे हो। चलो मरीन लिटर के बारे में बात करते हैं। मरीन लिटर एक परसिस्टेंट है। परसिस्टेंट से मतलब जो चीज़ एक लॉन्ग टाइम के लिए रहेगी, मैन्युफैक्चर्ड या फिर प्रोसेस्ड रहेगी। राज, ये जो लेक्चर्स की पीडीएफ है आपका, ये सेकेंड लेक्चर है और जब एक थोड़े से लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे, 4 से 5 हो जाएंगे, तो इसकी मर्ज पीडीएफ मैं आप लोगों को चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगी। स्टडी आइस पे भी होगी और अन अकेडमी अंकिता जिंदल वाले टेलीग्राम चैनल, दोनों पर आप लोगों को मिल जाएगी। क्लियर है? चलो, मैरीन लीटर एक परसिस्टेंट मैन्युफैक्चर या प्रोसेस सॉलिड मटेरियल होता है जो कि एक लॉन्ग टाइम तक सर्वाइवल होता है। इसको सी या रिवर्स के अंदर छोड़ दिया जाता है, रिवर्स में या सीवेज वगैरह में छोड़ दिया जाता है और फिर सीवेज का पानी रिवर्स में होता है, रिवर्स का पानी फिर सी में तो जाता ही है। इस तरीके से मरीन KSC के अंदर बहुत सारे प्लास्टिक बॉटल्स एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट आप लोगों को मिल जाएंगे, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, ठीक है। एंड स्टॉर्म वाटर और विंड के थ्रू तो आ ही जाते हैं। तो दिस इज अ काइंड ऑफ मरीन पोल्यूशन, ठीक है। अब हम देखते हैं कि भाई कितनी है क्वांटिटी में, एटलीस्ट 8 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक आपको हर साल ओशन में मिल रही है। इतना जो है छोड़ा जा रहा है ओशन के अंदर, जो कि मरीन बायोडाइवर्सिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है, वहाँ के एनवायरनमेंट के लिए खतरनाक है। अब कितनी सारी जो फिश होती है उनको खाना समझ के खा लेती है ना। प्लास्टिक पोल्यूशन के लिए प्लास्टिक बॉटल्स को बहुत सारी कंपनियां या वो फैक्ट्रियां क्या करते हैं, बॉटल को बहुत ही छोटे बीट्स के अंदर उसको ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं। कितना 0.5 mm जितना साइज उसका कर देते हैं, एंड दैट इज ऑल्सो नॉन एज अ माइक्रो बीट्स भी आप उसे बोलते हो। उसे कम में तोड़ देंगे एंड जो ओशन में छोड़ देंगे, और फिश उसको अपना खाना समझ के खा लेती है एंड दे डाइड। डाइवर्सिटी के लिए भी चीज़ अच्छी नहीं है। ओके चलो अभी किस इमेज पे ध्यान दो, इट्स इम्पॉर्टेंट। एनीवन हैव एनी डाउट? ये चीज आप लोगों को पूरा एक क्रिटिकली एनालाइज करना है ताकि आप एक मेन सा आंसर राइटिंग अच्छे से लिख सको। वाटर पॉल्यूशन इज बीइंग एग्रीवेटेड बाय द प्लास्टिक पार्टिकल्स की वजह से वाटर पॉल्यूट काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, जिसके अंदर बहुत सी चीज़ें होती है। ना ही सिर्फ प्लास्टिक बॉटल्स है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट इसके अंदर शामिल होते हैं, पैलेट्स होती हैं, ठीक है, माइक्रो बीट्स होते हैं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में से कह लो, या और भी बहुत सी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। प्लास्टिक पार्टिकल पॉल्यूशन वाटर में, उसको आप लोग मरमेड टीयर्स के नाम से भी जानते हो, स्टायरोफोम कप्स, प्लास्टिक के बैग, कैप्स, बॉल पॉइंट, दीज आर ऑल्सो थिंग जो कि उसके अंदर लीव कर दी जा रही है, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट्स, एल्गी और एनिमल, इन सब के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। माइक्रो प्लास्टिक या केमिकल्स इंजेस्ट किए जाते हैं बाय द एनिमल्स, अफेक्ट करते हैं उनकी मूवमेंट पर, उनके रिप्रोडक्शन साइकिल पे, जिसकी वजह से डेथ भी हो जाती है, ठीक है। एंड 100 ऑफ द सी टर्टल, बर्ड्स, मैमल्स डाई करते हैं ड्यू टू द इंजेक्शन और गेटिंग देमसेल्फ एंटेंगल्ड विद द प्लास्टिक लेटर। सी टर्टल्स के लिए तो हम लोगों ने प्रोग्राम भी चलाया था, मरीन टर्टल कंजर्वेशन प्रोग्राम, ओडिशा की तरफ, याद करो। टर्टल वहाँ पे मिलते हैं, मास नेस्टिंग होती है, वहीं पे उसको बचाने के लिए गवर्नमेंट ने प्रोग्राम भी चलाया था, और कारण क्या था मरने का? प्लास्टिक लेटर था। और गोवा की कोस्ट पे आपको मिल जाएंगे, टूरिज्म भी तो कितना ज़्यादा है उधर, है ना। दीज आर द थिंग। गुड इवनिंग रानी। आप देखो मरीन पॉल्यूशन कई तरीकों का होता है भाई, देयर आर द वेरियस काइंड। जैसे कि केमिकल पॉल्यूशन आपको मिलता है, कितने हार्मफुल कंटामिनेंट उसके अंदर शामिल होंगे, मैनमेड होते हैं, नेचुरल होते हैं, जैसे पेस्टिसाइड का इस्तेमाल हो गया, बॉटल्स होती है, हर्बिसाइड, फर्टिलाइजर्स का हो गया, डिटर्जेंट वगैरह हो गया। क्रूड ऑयल एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, कोई भी शिप में लीकेज हो गई, उसका क्रूड ऑयल सारे ओशियन में था ना, मॉरिशियस वाला, हाँ मॉरिशियस ऑयल स्पिल था न्यूज़, रशिया की तरफ एक ऑयल स्पिल हुआ था, उसको बोलते थे, अभी नाम स्किप हो रहा है। गुड इवनिंग रंजन। ऑलिव रिडली, हाँ। लाइट पोल्यूशन होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लाइट पॉल्यूशन पेनिट्रेट करती है अंडर द वाटर, क्रिएटिंग अ वास्टली डिफरेंट वर्ल्ड फॉर द स्पीसीज नियर अर्बन एनवायरनमेंट। लाइट जो है वो डिसरप्ट कर देती है नॉर्मल चीज़ों को। नॉइज़ पोल्यूशन होता है, अब इतनी सारी शिप चल रही है, सोनार डिवाइस चल रहे हैं, मैनमेड प्रोजेक्ट वहाँ पे चल रहे हैं, आप ओशन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो, ऐसे भी तो इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं, और उनके नॉइज़ से जो भी फिश या सब होते हैं वो उनकी डेथ होती है। हंटिंग वगैरह होना तो अलग ही चीज़ हो गई। मरीन लिटर की अगर हम लोग इम्पैक्ट की बात करें तो वहाँ पे होने वाले बीच पर काफ़ी ज़्यादा लिटर, मतलब डिफरेंट फ़र्क पड़ता है, उससे हेल्थ पे और टूरिज़म पे। कितनी सारी बॉटल्स, प्लास्टिक और पोल्यूशन वगैरह, मतलब जगह जगह पे आपके बिखरा मिलेगा, तो हेल्थ भी अच्छी नहीं होगी, ऊपर से टूरिज़म पे भी असर पड़ेगा। अब देखते हो आप गोवा का बीच जाओ कितना गंदा है, मान लो, मैं नहीं कह रही गंदा है, लेकिन फिर नेक्स्ट टाइम आपका मूड नहीं करेगा, और आप दो चारों को भी मना करो कि ना भाई वहाँ बहुत गंदगी है, मज़ा नहीं आता, है ना। तो वो वाली चीज़ें टूरिज्म इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। सी के अंदर होगा, आप घूम रहे हो, आपके सामने बॉटल्स आ गई, क्या मतलब, बात ही खत्म ना। फिशिंग, सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट ऑफ द एलियन स्पीसीज, दीज आर द सम काइंड जो कि असरदार असर पड़ेगा, राइट। मैकेनिकल, टॉक्सिलॉजिकल और ये सब चीज़ें। गाइज ये सारा डाटा, ये सारा मटेरियल आप लोगों के माइंड में होना चाहिए सो दैट कि आप मेन्स आंसर राइटिंग करो, ये इम्पॉर्टेंट है होना। हाँ जी, इलीगल श्रीलंका का हुआ था। नेक्स्ट न्यूज अपने सामने आती है इलीगल सैंड माइनिंग। मेरे पास एक न्यूज़ थी, एक वीडियो थी जिसमें मतलब आई वॉज सी लुक एन दैट कि कुछ दिन पहले मैंने आपको करंट अफेयर में एक न्यूज़ कराई थी जिसके अंदर राजस्थान में जो अरावली है उसकी बहुत ज़्यादा माइनिंग होने की वजह से लैंड डिग्रेडेशन का केस या न्यूज़ जो है वो सामने आई थी। एडिटोरियल में भी ये वाली न्यूज़ थी। आई होप यू रिमाइंड, है ना। ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेट मिला है ऑलरेडी, बट फिर भी मलय थाईलैंड ने भी बैन किया है और पैसिफिक ओशन में भी एक आइलैंड था उन्होंने भी बैन कर दिया है। यूएस का आइलैंड है वो, उन्होंने भी प्रॉपरली बैन कर दिया गया है। सुनिए, अरावली के अंदर माइनिंग बहुत ज़्यादा होने की वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो रही थी, लैंड डेजर्टिफाई हो रही थी, डेजर्टिफिकेशन हो रही थी। एंड इसका आपको कैसे पता चलता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा माइनिंग होने की वजह से डिग्रेडेशन हो रहा है? तो वहाँ पे क्या होते हैं, सैंड ड्यून्स बन जाते हैं, सैंड ड्यून्स बन जाते हैं। यानी कि जो रेत होता है ना, जगह जगह से उड़ के कहीं कहीं छोटी छोटी जगह पे टीले बना लेता है। ड्यून्स का मतलब होता है टीले, ठीक है। जैसे एक इधर इकट्ठा सा हो गया, फिर थोड़ी सी दूर जाओगे इधर हो गया, वो वाली चीज़। तो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये तो डिग्रेड हो गया, ये तो नीचे की तरफ रह गया। दैट इज़ अ थिंग डिग्रेडेशन। तो फिलहाल राजस्थान में ऐसे केसेस ज़्यादा हैं। फाइन, चलो कम टू द न्यूज़। इलीगल सैंड माइनिंग हो रही है। बिहार की गवर्नमेंट ने बैन कर दिया जितनी भी सैंड माइनिंग होगी, स्पेशली रिवर्स के पास और रिवर ब्रिजेज जो भी बन रहे हैं उसके पास जितनी भी माइनिंग की जाएगी उसको बैन कर दिया गया है। प्रॉब्लम क्या होती है कि रिवर के पास वाली जो ज़मीन होती है ना, वो बहुत ही एक तरीके से आप कह सकते हो सेंसिटिव होती है। इम्पॉर्टेंट बात है, ये सेंसिटिव होते हैं क्योंकि उस सॉइल के अंदर हमेशा नमी बनी रहती है, हमेशा मॉइस्चर बना रहता है, क्योंकि वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, वहाँ की जो हवाएं हैं वो उस एरिया को बहुत ही सेंसिटिव बना के रखते हैं। इसीलिए आप जितनी ज़्यादा माइनिंग करोगे उतना ज़्यादा उस एरिया के लिए खतरा होता है। दिस वॉज डन टू चेक द इलीगल जितनी भी सैंड माइनिंग हो रही है उसको बंद किया जाएगा, क्योंकि ब्रिज भी तो अफेक्ट करेगा भाई उस चीज़ से। माइनिंग ना ही तो वाटर फ्लो को डाइवर्ट करेगी, बल्कि वहाँ पे ब्रिज भी जो है वो अच्छे से नहीं बन पाएगा, उसकी एक पकड़ नहीं हो पाएगी, और अगर ब्रिज नहीं खड़ा है तो गिर भी जाएगा। दैट इज़ द केस। इसलिए जितनी भी माइनिंग है उस साइड बंद कर दी गई है। सैंड एक माइनर मिनरल है। क्या होता है सैंड? एक माइनर मिनरल होता है अंडर द माइंस और मिनरल एक्ट के तहत, जो आज हमने मॉर्निंग में भी किया था। और ये इसका जो अधिकार होता है सैंड माइनिंग होगी कि नहीं होगी, वो स्टेट गवर्नमेंट के पास लाई करता है। तो ये अधिकार स्टेट गवर्नमेंट के पास है। बी रिमेंबर ऑल्सो दैट। एनी वन हैव एनी डाउट? क्लियर हो गया? ज्योति क्लियर है? इलीगल सैंड माइनिंग के कारण क्या होते हैं? क्योंकि भाई आजकल घर तो ज़्यादा बन रहे, बिल्डिंग्स ज़्यादा बन रही हैं, अब स्टार्ट हो गई है। अरे इलीगल को बैन किया गया है। नहीं विश्वजीत, लीगल और इलीगल का फ़र्क क्या होता है कि अगर आप लोग रिवर के पास कर रहे हो, बहुत ही एक वो सेंसिटिव एरिया है, ठीक है, और वहाँ पे अभी उसके अंदर कैपेसिटी है, उस सॉइल या उस जगह के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वहाँ पे अगर माइनिंग करोगे तो ब्रिज को इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो उस समय तक वो चीज़ क्या रहेगी? लीगल रहेगी। गवर्नमेंट उसके लिए लाइसेंस दे देगी, ठीक है। सपोज कोई एक एरिया पहले ही वो बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो चुका है, उसके अंदर फर्टिलिटी इतनी अच्छी नहीं रह गई है, और भी बहुत से कारण हैं जिसकी वजह से वहाँ की सॉइल बहुत ही सेंसिटिव है, तो वो चीज़ गवर्नमेंट उसको पास नहीं करेगी, उसके लिए परमिशन नहीं देगी। और बाकायदा वेन यू विल बी द डीसी ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट, यू विल बी चेक दैट। आप उस चीज़ का प्रॉपरली सर्वे करोगे। देखा है ना हमने बहुत जगह, ठीक है। हाँ, बहुत जगह देखा है कि सर्वे करते हो उस जगह का जाके, तब उसको लीगल हो जाता है वो चीज़। और अगर लीगल हो गया तो चलो ठीक है। हाँ, जो आप सैंड माफिया कह रहे हो वो यही होते हैं। देखो जो डिमांड है सैंड की वो बहुत ज़्यादा है, उसकी ही मिसमैच के लिए इतनी ज़्यादा माइनिंग की जा रही है। इंडिया का जो कंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल है वो अभी 3 गुना हो गया पिछले साल 2000 से लेके 2000 से लेके 3 गुना हो गया और सैंड के जो प्राइस है वो 150 से 200 गुना बढ़ गए हैं। ठीक है, अब वही बात है, डिमांड तो ज़्यादा सप्लाई है नहीं, प्राइस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वो तो एक कारण है इसके पीछे। एंड कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ द सैंड माफिया की भी ग्रोथ इससे आप लोग जो है वो देख सकते हो जी। इनफेक्टिव पॉलिसीज और इतना अच्छी से अप्रोच नहीं हो पाती, एक नेक्सेस जो है वो बन जाता है माइनिंग कंपनी, ब्यूरोक्रेसी और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के अंदर। ठीक है, बंधन सा बन जाता है। स्टेप टेकन टू प्रमोट द सस्टेनेबल माइनिंग, जहाँ पे माइनिंग हो सकती है ना, जो सस्टेन है, जो सहन कर सकते हैं, वहाँ पे उस चीज़ का प्रमोट करो, वो कोई इतनी खास दिक्कत नहीं होती। ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने चीज़ बोली है। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना लॉन्च की गई थी। माइनिंग सर्वेलांस सिस्टम इस्तेमाल करेगा स्पेस टेक्नोलॉजी को ये चेक करने के लिए कि कहाँ कहाँ पे इलीगल माइनिंग हो रही है, कोई भी फ्लाई ऐश वो सब चीज़ों को बनाने के लिए उसको चेक किया जाएगा। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, कंटेंट इकट्ठा कर लो और मैं तो ये कह रही हूँ आप जितना ज़्यादा पढ़ते हो, रीड करो, वीडियो को देखो, पता है एडवाइस दे रही हूँ आप लोगों को, लिखने में समय मत व्यर्थ करो। do not waste your time in the written notes, making notes। ठीक है ना, notes ना बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा सुनो, समझो उस चीज़ को। ठीक है, वीडियो को देखो, PDF है तो उसको पढ़ो, अपने आप से कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैगजीन बन रही है, मैगजीन को एंड ऑफ द टाइम में पढ़ लीजिए, एक नहीं, दो नहीं, 3 बार पढ़ लो, लिखने में कोई फ़ायदा नहीं है, उसको हाईलाइट कर लो। राइट, लिखिएगा मत, पढ़ लीजिए। जो मैगजीन्स बन रही है या आप लोगों के लिए वीडियोस बनाई जा रही है उन पे ज़्यादा फोकस करो, और जितना भी कंटेंट मिलता है, जो भी चीज़ याद रहती है ना, मेन्स आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो, लिखो, क्वेश्चन बनाओ और लिखो, दैट विल बी गुड फॉर यू। ठीक है, और आप लोगों के लिए आंसर राइटिंग के लिए तो एक बहुत ही बढ़िया कोर्स भी लॉन्च होने वाला है। राइट, तो उसमें इनरोल करो। चलो नेक्स्ट आते हैं ABS के बारे में। व्हाट इज़ दिस? नागोया प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। ब्राज़ील 130वीं कंट्री बनी है नागोया प्रोटोकॉल की। क्या है नागोया प्रोटोकॉल? ये अडॉप्ट किया गया था 2010 में जापान के अंदर, नागोया जो सिटी है वहाँ पे। सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट है ताकि हम लोग बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को उसको जो है कंजर्व करके रख सके, उसको संभाल के रख सके, इसीलिए एक एग्रीमेंट किया गया था। फिलहाल इसके अंदर 130 कंट्रियां शामिल है और लास्ट कौन सी बनी है? ब्राज़ील, इसको ज्वाइन किया है। 2014 में ये चीज सामने आई थी और 90 दिन बनने की बात 15th इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेटिफिकेशन वगैरह कुछ इसका हुआ था। मेन इसका उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव क्या है गाइस? कि जो जेनेटिक रिसोर्सेज है उसका आप बाकायदा यूटिलाइजेशन करो। आपके पास जो रिसोर्स है ना, ये आपकी स्टडी से भी इम्पोर्टेंट है। व्हाट यू हैव, उसका बेस्ट एवर यूटिलाइजेशन करें आप। ठीक है, देयर बाय कंट्रीब्यूटिंग, कंजर्व करिए और बायोलॉजिकल का आप अच्छे से इस्तेमाल करें, सस्टेनेबली यूज करें, दैट विल गुड फॉर यू। फाइन, यूटिलाइजेशन के अंदर रिसर्च और डेवलपमेंट आती है, जेनेटिक या बायोकेमिकल। राइट, नागोया प्रोटोकॉल जेनेटिक रिसोर्सेज और जो भी पुरानी चीजें हैं जेनेटिक से रिगार्डिंग, उसकी पूरा जो है मतलब उस पर अप्लाई होता है। नेक्स्ट न्यूज अपने सामने आती है मरीन टर्टल के लिए। नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान जो कि 2021 से लेके 2026 तक लिया गया है। ओके, एक क्वेश्चन लेते हैं पहले। For some years biodiversity situation is alarming. Biodiversity situation is alarming in the world. How we can prevent the 6th mass destruction how we can prevent and conserve the biodiversity. Critically examine। तो गाइज ये क्वेश्चन आया सबको समझ में? देखो पिछले सालों में हम देख रहे हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी की जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा चेतावनी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, अलार्मिंग हो गई है। ठीक है, किस तरीके से जो 6 मास डिस्ट्रक्शन हो रहा है या 6 मास एक्सटिंक्शन हो रहा है, क्योंकि स्पीसीज अब बहुत ज़्यादा मात्रा में लुप्त होती जा रही है। तो 6 मास एक्सटिंक्शन किस तरीके से हम लोग रोक सकते हैं और बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं, आपको ये चीज़ क्रिटिकली एग्जामिन करनी है। इसके अंदर आपको गवर्नमेंट के इनिशिएटिव, कुछ वेटलैंड, कुछ इंटरनेशनल इनिशिएटिव और भी चीज़ें जो है वो बतानी है। क्लियर, प्लीज़ इसको आंसर को लिख दीजिएगा। कमिंग टू अवर न्यूज, नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान के बारे में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज ने ये NMTCA जो है इस प्रोग्राम को लॉन्च किया ताकि हम लोग टर्टल को सेफगार्ड कर सकें। ये प्रोग्राम इसलिए था ताकि मरीन टर्टल्स यानी कि समुद्र में पाए जाने वाले टर्टल्स और उनका हैबिटेट एक अच्छा हेल्दी एनवायरमेंट या हेल्दी इकोसिस्टम उन लोगों के लिए हम लोग बना सकें। गुड इवनिंग संतोष। यहाँ पे स्पीसीज को कंजर्व कर सके, उनके हैबिटेट को बचा सके और उनके सर्वाइवल पे इम्पैक्ट ना पड़े, उस चीज़ को हम लोग ध्यान रख सके। ठीक है, इम्प्रूव कर सके अंडरस्टैंडिंग ऑफ मरीन टर्टल, एनहांस कर सके कोस्टल कम्युनिटी का लाइवलीहुड, प्रमोट कर सके सस्टेनेबल इको टूरिज्म। इको टूरिज्म मतलब भाई टूरिज्म भी हो और उससे हमारी इकोनॉमी भी अच्छी हो। टूरिज्म कब ज़्यादा होगा, जब उस जगह का एनवायरनमेंट अच्छा होगा, उस जगह पे बहुत ज़्यादा मतलब स्पीसीज या डाइवर्सिटी वो सब चीज़ें होंगी, और टूरिज्म अच्छा होगा तो आपकी इकोनॉमी अच्छी ऑलरेडी हो जाएगी, राइट। और एक इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट आपको देना है, वो वाली चीज़ है। रीजनल, नेशनल और इंटरनेशनल कोऑपरेशन हमें मरीन टर्टल को कंजर्व करने के लिए ग्रो करना होगा, और जो भी करंट अफेयर आपको याद है वो भी इस तरीके के क्वेश्चन में डाल दिया करो। ठीक है, लेट्स हैव अ लुक ऑन द मरीन टर्टल्स इन इंडिया। टर्टल, सी टर्टल है 7 स्पीसीज, जिसमें से 5 आपको इंडिया के कोस्टल वाटर में मिल जाती हैं। ठीक है, इंडिया के स्पीसीज में मिल जाएंगी इनहेबिट, कौन कौन सी करती हुई, जैसे कि ऑलिव रिडली, अभी अभी जिक्र भी किया हमने, ग्रीन, हॉक्सबिल, लॉगरहेड या लेदरबैक टर्टल। दीज आर द 5 विच यू कैन फाइंड इन द इंडियन कोस्टल एरिया। इसके साथ इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट नॉन नेस्टिंग पॉपुलेशन है ऑलिव रिडली टर्टल की, तो ये लाइन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको याद कर लेना। ORT कैंप रिडली टर्टल चला था ताकि मास नेस्टिंग, अरीबड़ा जिसको आप पता है, जो जहाँ पे उसको मास नेस्टिंग बोलते हैं, जिस बीच के ऊपर बहुत ज़्यादा एग्स दिए जाएं सेम बीच पे, तो उससे मास नेस्टिंग बोलते हैं। गहीरमथा वर्ल्ड की लार्जेस्ट रूकरी है ORT की। ORT क्या, ऑलिव रिडली टर्टल के लिए वर्ल्ड की लार्जेस्ट रूकरी कौन सी है, गहीरमथा। और अब मुझे संतोष बताएंगे वेयर इज अ गहीरमथा, वेयर इज अ गहीरमथा। कमिंग टुवर्ड्स द, अब यहाँ देखिए जरा, लेदरबैक लार्जेस्ट, 7 स्पीसीज में से सबसे बड़ी कौन सी स्पीसीज है, लेदरबैक है, जो कि आपको हर ओशन में मिल जाएगी एक्सेप्ट द आर्कटिक एंड अंटार्कटिक, यानी कि पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, साउथ चाइना से इन ओशंस में आपको लेदरबैक मिल जाएगा, बस ऊपर नीचे नहीं मिलता। ठीक है, इंडियन ओशन के अंदर ये आपको इंडोनेशिया में, श्रीलंका और अंडमान निकोबार में मिलते हैं। लोगरहेड के अलावा बाकी की जो 4 स्पीसीज है इंडिया में मिलने वाली, वो इंडिया की कोस्ट लाइन और आइलैंड पे मिल जाएगी, बट लोगरहेड इंडिया की कोस्ट लाइन पे नहीं मिलता, सिर्फ अंडमान की तरफ आइलैंड पे मिलता है, याद प्लीज करना पड़ेगा। ठीक है, दिस काइंड ऑफ बॉक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। फाइन, कोई बात नहीं संतोष, बट कंटिन्यू नाउ। गहीरमथा न्यूट्रोमा विलेज, यस दैट इज इन ओडिशा, वेरी गुड। चलो, क्या क्या इनकी प्रोटेक्शन के लिए हम लोगों ने कौन कौन से कदम उठाए हैं, 5 स्पीसीज को प्रोटेक्ट हम लोगों ने किया। शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत शेड्यूल 1 में अगर हमने इन स्पीसीज को रख दिया तो भैया ये तो कंप्लीट हो गया कि हमने इनकी अटमोस्ट प्रोटेक्शन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज ने मरीन टर्टल को 22 स्पीसीज में के अंदर शामिल कर लिया गया है। एक स्कीम लॉन्च की गई थी जिसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट ये स्कीम का नाम है जो कि स्पॉन्सर्ड स्कीम है, केंद्र और राज्य के द्वारा मिली भगत से पैसे शेयर किए जाएंगे। इस स्कीम के अंदर टोटल 22 स्पीसीज को शामिल किया गया था, जिसके अंदर मरीन टर्टल को भी जो है वो डाला गया है। ओके, तो इम्पोर्टेंस कोस्टल मरीन बायोडाइवर्सिटी, ये भी एक चीज़ जो है वो इंडिया ने आइडेंटिफाई किया था। इंडिया में कौन कौन से मरीन टर्टल के हैबिटेट आप लोगों को मिल जाएंगे? एक तो ओडिशा है, जिसके अंदर ऋषिकुलिया और गहीरमथा रिवर है, देवी रिवर है जो इसका माउथ है, माउथ ऑफ द रिवर है, ठीक है। अंडमान निकोबार में मिल जाएंगे, लक्षद्वीप में मिल जाएंगे, आंध्रा में मिल जाएंगे, बस नाम याद करो। ऑलिव रिडली आपको पुडुचेरी में, तमिल में, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा के बीच वगैरह पे आपको मिल जाएंगे। लेदरबैक आपको अंडमान और निकोबार आइलैंड में मिलेगा, गैलेथिया बे अंडमान में ही है, इंदिरा पॉइंट, ये सब जगह मिल जाएगा। प्लीज इनको पढ़ लेना अच्छे से। हॉक्सविल की बात करें तो अंडमान में मिलता है ये, वहीं पे एक सुहेली आइलैंड है, ये शायद मैं आपको कराया हुआ है, ये वहाँ पे भी अच्छा मिल जाता है। ग्रीन जो टर्टल है वो भी अंडमान में ज़्यादातर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके साथ मूविंग अहेड, क्लियर सबको? तो टर्टल्स के बारे में आप लोगों को चीजें याद रखनी है। अब मुझे ये बताइए, वाई वी आर कंसर्निंग टुवर्ड्स द प्रोटेक्शन ऑफ स्पीसीज लाइक मरीन टर्टल? Why we do so? How can we protect them and also save the environment? ये क्वेश्चन एक जनरल क्वेश्चन है, ठीक है। हिंट आपको इसलिए दे दी गई है ताकि पता चल जाए कि कितने डेंजर में स्पीसीज आज के समय में हो रही है। सवाल ये है कि क्यों आजकल हम स्पीसीज को बचाने में लगे हुए हैं, क्यों इनके लिए इतनी चिंता हमारे दिमाग में चल रही है। एग्जाम्पल के लिए मरीन टर्टल को बचाने के लिए कई प्रोग्राम हम लोगों ने स्टार्ट किए, कई जगह पे क्लीनलीनेस के लिए स्टार्ट किया। ऐसा क्यों कर रहे हैं, कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं और किस तरीके से हम लोग अपने एनवायरमेंट को भी सेव कर सकते हैं। 250 वर्ड में प्लीज लिख देना। चलो नेक्स्ट आता है अफ्रीकन एलिफेंट के बारे में। IUCN ने इसको कैटेगराइज कर दिया है सवाना एलिफेंट को एंडेंजर्ड। सवाना के अंदर जो मिलने वाले जो एलिफेंट है उसको एंडेंजर्ड की कैटेगरी में शामिल कर दिया गया है, क्योंकि इनकी जो संख्या है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रही है, ये बहुत कम हो रही है। लाइटर फॉरेस्ट एलिफेंट और जो कि लाइटर फॉरेस्ट एलिफेंट है उनको क्रिटिकली एंडेंजर्ड का दर्जा दे दिया गया है। 2 स्पीसीज होती है अफ्रीकन एलिफेंट की और दोनों ही स्पीसीज जो है वो थ्रेट फेस कर रही है, जो कि एक थोड़ी सी बड़ी होती है और एक थोड़ी सी छोटी होती है, डिफरेंस इतना ही है बस। अफ्रीकन और एशियन एलिफेंट की मैं बात कर रही हूँ। और ये क्वेश्चन प्रीलिम्स का है, आ चुका है क्वेश्चन। ये आया था कि अफ्रीकन बड़े होते हैं एशियन से, या ऐसे आया होगा एशियन बड़े होते हैं अफ्रीकन से, मतलब ऐसे आया था क्वेश्चन। दोनों ही स्पीसीज अभी थ्रेट फेस कर रही हैं क्योंकि इनकी आइवरी के लिए पोचिंग होती है ह्यूमन इंक्रोचमेंट की वजह से। फॉरेस्ट एलिफेंट आपको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में जल्दी से मिल जाते हैं अफ्रीका के, बट जो सवाना के जो एलिफेंट होते हैं वो आपको सब सहारन अफ्रीका, ग्रासलैंड या डेजर्ट वाले एरिया में मिल जाएंगे, ठीक है। अफ्रीकन एलिफेंट थोड़े बड़े होते हैं, लार्जेस्ट लैंड एनिमल्स ऑन द अर्थ, सबसे बड़े एनिमल्स अर्थ पे आपको माने जाते हैं अफ्रीकन एलिफेंट। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन द एशियन एलिफेंट के बारे में थोड़ी जानकारी निकालते हैं। ये एशियन है तो भैया इंडिया में तो मिलेंगे, इंडिया में है, और ये थोड़ी छोटे होते हैं अफ्रीका से। याद कैसे करोगे? एशिया और अफ्रीका को कंपेयर करो, एशिया को मान लो इंडिया और अफ्रीका। अब इंडिया अफ्रीका से छोटा है कि बड़ा है? छोटा ही होगा, छोटा तो है। इंडिया तो एक कंट्री है, अफ्रीका तो एक कॉन्टिनेंट है, ऐसे याद कर लो। एशियन एलिफेंट छोटे होते हैं। ठीक है, इनके ईयर्स स्मॉलर होते हैं कंपैरेटिवली टू द फैन शेप ईयर्स ऑफ द अफ्रीकन। अफ्रीकन के जो एलिफेंट होते हैं ना उनके पंखे जितने बड़े बड़े कान होते हैं, बट एशियन वाले छोटे होते हैं। क्लियर, याद करने की ट्रिक्स बनानी पड़ेगी, बिना उसके तो भाई पॉसिबल नहीं है चीजें। ओनली कुछ ही मेल एशियन एलिफेंट की टस्क होती है, जबकि अफ्रीकन की बात करें तो सबकी टस्क होती है, एशियन की कुछ की ही टस्क होती है। एशियन एलिफेंट के अंदर भी 3 सब स्पीसीज होती है, इंडियन, श्रीलंकन और सुमात्रन। ठीक है इंडियन, श्रीलंकन और सुमात्रन, वैसे आप थोड़ा सा याद कर लो। इंडियन एलिफेंट के बारे में बात करें तो ओल्डेस्ट फीमेल एक एलिफेंट हर्ड है, इज ऑलवेज द लैटर। और फीमेल एलिफेंट की जो लाइफ होती है वो 60 से 70 साल तक जी सकता है। अरे ओल्डेस्ट फीमेल इन एन एलिफेंट हर्ड इज ऑलवेज द लीडर। अच्छा लीडर, मैं लैडर सोच गई, लीडर। हाँ, जो एलिफेंट का जो झुंड होता है ना उनमें जो सबसे पुरानी महिला, उनके जो बुजुर्ग होती है वो उनकी लीडर होती है। और फीमेल एलिफेंट्स की जो उम्र होती है वो 60 से 70 साल होती है। एलिफेंट का लॉन्गेस्ट जेस्टेशन पीरियड होता है वो होता है 22 मंथ का। और ये क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना, अभी लास्ट ईयर ही तो क्वेश्चन आए हैं प्रीलिम्स के, इम्पॉर्टेंट है। India Rhino Vision 2020, what is this? India Rhino Vision 2020 ऑफिशियली अभी आया है 2 राइनोस के साथ, जो कि मानस नेशनल पार्क दैट्स व्हाई मैं तो भी कह रही सेंस नहीं बनी लेटर में तो भाई। 2 राइनोस टू मानस नेशनल पार्क फ्रॉम द पोबितोरा इन असम। असम के अंदर बहुत सारी सेंचुरीज है, लेकिन राइनो की अगर हम बात करें वन हॉर्न राइनो की, तो वो मानस नेशनल पार्क में और पोबितोरा में मिल जाते हैं। 2 राइनो को पोबितोरा वाइल्ड सेंचुरी, जहाँ पे गढ़ है जो राइनोस का, वहां से मानस में लेकर आए गए हैं। ठीक है, देयर वाज अ 2 राइनोस। इंडिया राइनो विजन 2020 का काम क्या है कि इट वाज द 8th राउंड, ये 8वीं बार ऐसा हो रहा है कि राइनोस को ट्रांसलोकेट किया जा रहा है। राइनो टास्क फोर्स 2005 के द्वारा इस चीज़ को ऑर्गेनाइज किया जाता है। राइनो की पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए बात की जा रही है कि भाई 7 प्रोटेक्टेड एरियाज है असम के अंदर, 7 जगह है, वहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह उनको घुमाने अगर ले जाएंगे तो उनकी जो मतलब थोड़ा पॉपुलेशन में राइज हो जाएगा, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, इंडिया में 1 हॉर्न राइनो मिलते हैं, 2 हॉर्न राइनोस भी हैं, बट आपको इंडिया में नहीं मिलते, वो किसी आइलैंड में मिलते हैं, मॉरिशस की तरफ या इंडोनेशिया की तरफ है एक जगह, वहाँ पे आपको 2 हॉर्न राइनोस भी वहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है जी, असम का स्टेट एनिमल भी, बिल्कुल सही। यहाँ पे कौन कौन सी जगह है, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क है, पोबितोरा वाइल्ड सेंचुरी नेशनल पार्क, ओरांग है, मानस है, लखोवा है, बुरा चपोरी है, डिब्रू साइखोवा, ये सारे आप लोग पढ़ भी चुके हो। इनका उद्देश्य क्या है, जो उद्देश्य है राइनो पॉपुलेशन रिड्यूस द रिस्क ना हो इतना, राइट, मेनली फ्रॉम द पोचिंग ज़्यादा होती है इनकी, तो किसी तरीके से पॉपुलेशन ग्रोथ हो जाए तो वो चीज़ अच्छी होगी। ओके, तो अभी इस इमेज को देखें ज़रा। वाइट राइनो जो है उसकी 18,000 पॉपुलेशन रह गई है, जिसने IUCN ने इसका स्टेटस कितना दिया, नियर थ्रेटन। याद नहीं करना, पढ़ना है, सिर्फ नज़रों में बिठाना है। ग्रेटर 1 हॉर्न राइनो जो कि इंडिया के असम में देखने को मिल रहा है, दैट इज़ अ वल्नरेबल येट, क्योंकि इसकी जो संख्या है वो 3600 है, फिलहाल थोड़ा सा बहुत इंक्रीज कर रही है। ब्लैक राइनो इंडिया में जल्दी से नहीं मिलता, इसका स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, दैट इज़ 5630 इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, जावन राइनो की बात करें तो 74 है, बहुत ही क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आता है ये। सुमात्रन राइनो की अगर हम लोग बात करें तो इसकी पॉपुलेशन 80 से भी कम है, डिक्रीज कर रही है, तो इसको भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड में जो है वो डाला जा रहा है। ठीक है, तो दिस इज द थिंग, दे आर पोचिंग फॉर द स्किन, दे आर पोचिंग फॉर द फ्लैश, इन सब के लिए हो रहा है। ओके, हाँ, एक में क्वेश्चन था आप सबसे, व्हेन वी आर ट्रांसलोकेट द पर्टिकुलर स्पीसीज, तो हमारे सामने कुछ चैलेंजेस होते हैं। ठीक है, अगर आप लोग फॉरेस्ट का कोई मिनिस्टर वगैरह बनते हो तो आपके लिए ये चीज़ अच्छी रहेगी। चैलेंज क्या होते हैं कि उस पर्टिकुलर स्पीसीज का हैबिटेट क्या है, उसका नीश क्या है, ठीक है, और जब आप उसके नीश को चेंज कर दोगे, उसके एरिया को चेंज कर दोगे, क्या वो इस चीज़ के लिए सूटेबल रहेगा? क्या वो खुद सस्टेन कर पाएगा या उस एरिया को सस्टेन रहने देगा? ये कुछ चैलेंज हमारे सामने होते हैं जब हम एक बड़ी स्पीसीज या एक डेंजरस स्पीसीज को ट्रांसलोकेट कर रहे होते हैं। तो ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, हाय आराधना गुड इवनिंग, मान लीजिए ए स्पीसीज है और उसको रेनी बारिश का जैसा मौसम जहाँ पे हमेशा रहता है वहाँ पे रहना पसंद है। आप इसको ये दूसरी जगह ले जाओ, बी जगह जहाँ पे बारिश थोड़ा कम होती है कंपैरेटिवली, ठीक है, या होती नहीं है, ड्रॉट वगैरह पड़ जाता है, ऑब्वियसली ये सस्टेन नहीं कर पाएगा। या तो ये खुद से डेथ हो जाएगी इसकी, या फिर उस जगह के एरिया में जाके ये एक इन्वेजिव स्पीसीज के नाम से जान लिया जाएगा, वहाँ की स्पीसीज को जीने नहीं देगा। ठीक है, वो इसलिए ट्रांसलोकेशन का खतरा होता है। और अगर डेथ हो गई तो फिर तो संख्या और कम हो जाएगी। इसलिए एक स्पीसीज के नीश और हैबिटेट का पता होना और उस पर्टिकुलर एरिया के फीचर्स का पता होना एनवायरमेंट मिनिस्टर के लिए या जो भी वहाँ का होते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, समझ में आया कारण इसके पीछे का? ये कारण होता है। नेक्स्ट न्यूज अपने सामने आती है, इंडिया का फर्स्ट इंटरस्टेट टाइगर ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट जो था वो फेल हो गया है, जहां पे टाइगर्स को ट्रांसलोकेट करने की बात की जा रही थी। फिलहाल एक टाइग्रेस है जिसको शिफ्ट किया गया। इंडिया का पहला प्रोजेक्ट था ये 2018 में, जहाँ से मध्य प्रदेश से ओडिशा भेज दिया गया, लेकिन वो कहती मैं नहीं रह रही यहाँ पे, मैं तो वापस आ जाऊंगी, रिटर्न हो। ठीक है, इस प्रोजेक्ट के अंदर दो बिग कैट जिसमें से एक मेल है महावीर जिसका नाम है कान्हा टाइगर रिजर्व से, और एक फीमेल है जिसका नाम है सुंदरी, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ से उसको रीलोकेट किया गया था सतकोसिया टाइगर रिजर्व जो कि ओडिशा के अंदर है। अब हमारे लिए थोड़ा टाइगर रिजर्व पढ़ना भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा जो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, आप देखो दो बिग कैट है, एक तो कान्हा टाइगर रिजर्व, आप टाइगर रिजर्व का नाम याद रखो, कान्हा टाइगर रिजर्व है भाई मध्य प्रदेश के जो सातपुरा रेंजेस है वहाँ पे, और बांधवगढ़ जो टाइगर रिजर्व है वो आपका मध्य प्रदेश में है बट वो विंध्याचल में आता है, नॉर्दर्न एरिया में आता है। ठीक है, इसीलिए तो वहाँ से दोनों मेल फीमेल को लिया गया और उड़ीसा के अंदर सतकोसिया जो टाइगर रिजर्व है उसमें इसको रिलोकेट करने की बात की गई। ठीक है, तो अभी मैपिंग कर लो, मैं आपको सारे टाइगर रिजर्व यहाँ दिखा दे रही हूँ। देखो ये जो जगह है ये साउथ में, दैट इज अ कंघा जो दिख रहा है ना आपको, ये कान्हा टाइगर रिजर्व है यहीं पे पास में, इसके ऊपर ये जो बांधवगढ़ है यहाँ पे है, और सतकोसिया है भाई यहाँ पे, सतकोसिया के ऊपर ही आप लोगों को यहाँ कॉर्नर पे सिमली पाल भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो सिमली पाल भी याद रखो। इसके साथ ये बाकी के सारे टाइगर रिजर्व है, सब याद करने हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लोकेशन सबकी पता होनी चाहिए। पहला था ना राजा जी कॉर्बेट, इधर दुधवा, वाल्मीकि, ये सारे अपन याद कर चुके हैं कई बार उसमें। फाइन, जब ये सीरीज पूरी हो जाएगी तो आपको बहुत सारे रिजर्व और सबका पता चल जाएगा। रिलोकेशन दो पर्पस से किया जाता है कि अगर किसी एक एरिया में पॉपुलेशन की संख्या कम हो रही हो, टाइगर की संख्या कम हो रही हो, तो जहाँ पे ज्यादा है ना वहां से कुछ कम वाली जगह पे भेजे जाते हैं और रिप्रोडक्शन के थ्रू वहां पे और ज्यादा फिर हो जाते हैं। टाइगर्स जहाँ पे पॉपुलेशन गिर रही है बहुत से कारणों की वजह से, उस वहां से हटा के दूसरी जगह लेके जाए जाते हैं, तो देयर आर द टू रीजन। ठीक है, एमपी के अंदर बहुत सारे टाइगर हैं, इसीलिए कल की क्लास में हमने ये किया था कि एमपी को वर्ल्ड का टाइगर हब के नाम से कुछ जाना जाता है, क्योंकि वर्ल्ड का टाइगर हब, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइगर्स आपको एमपी में मिलते हैं इसीलिए। ठीक है, नाउ एवरीवन प्लीज गिव मी अ थम्स अप गाइस, प्लीज गिव मी अ थम्स अप। नेक्स्ट आती है, नेक्स्ट इज मियावाकी टेक्निक, कहाँ की है ये बताओ जरा। हाँ, 3-2 प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। मियावाकी एक टेक्निक है जो कि जापान की है। इसके अंदर अगर नॉर्मली एक ट्री 2 साल में बड़ा होता है तो मियावाकी के अकॉर्डिंग वो 6 महीने में ही बहुत ऊंची हाइट जो है वो कवर कर लेगा। ठीक है, एक अच्छी ऊंचाई तक पहुंच जाएगा। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें बहुत ही इसको ना आप लोग अफॉरेस्टेशन मेथड कह सकते हो, क्योंकि इसके थ्रू जो प्लांट है वो बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं। जापानीज टेक्निक है जी। फिलहाल बहुत सारे स्टेट जैसे महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल प्रमोट कर रहे हैं मियावाकी को, और इसी के थ्रू अर्बन एरियाज के अंदर जहाँ पे लोग पेड़ काट देते हैं कंस्ट्रक्शन और बहुत सारे पर्पस के लिए, उस जगह पर मियावाकी का इस्तेमाल हो रहा है। इट इज़ अ फॉरेस्टेशन मेथड, जापानीज बॉटनिस्ट अकीरा मियावाकी के नाम पे दिया गया है। इसके अंदर श्रब ट्री कैनोपीज को शामिल किया जाता है एंड प्लांट किए जाते हैं 3 से 4 सैपलिंग पर स्क्वायर मीटर के अंदर। छोटी छोटी जगह के अंदर बहुत सारे आपको ट्रीज मिल जाएंगे, ठीक है। और वाइड वैरायटी ऑफ स्पीसीज, करीबन 30 से भी ज़्यादा स्पीसीज आप प्लांट कर सकते हो। मल्चिंग, नेचुरल वाटर रिटेंशन, ये सारे चीज़ों का भी इस्तेमाल होता है ताकि इसकी ग्रोथ हो सके। और इट इज़ मॉनिटर्ड एंड मेंटेन, 2 से 3 साल आप इसको मॉनिटर करते हो और फिर इसके बाद जो साइट है सारी सेल्फ सस्टेनेबल हो जाती है। तो दिस इज़ अ मियावाकी टेक्निक। बेनिफिट क्या क्या है इस टेक्निक के? देयर आर द लॉट्स ऑफ बेनिफिट। एक तो भाई वर्क एफिशिएंटली होता है, आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। सॉयल क्लाइमेट कंडीशंस के फेवर में ना होते हुए भी आपके जो ट्रीज़ हैं वो ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। इससे टेम्परेचर कम रहेगा क्योंकि ट्रीज़ क्या करते हैं, वो CO2 को इनहेल करते हैं। आपने अगर 10 टन CO2 रिलीज़ करी है तो उसमें से अगर आपने बहुत सारे ट्रीज़ लगा दिए तो 8 टन CO2 तो ट्रीज़ ही ले जाएंगे, तो रेस्ट द 2 टन फिर भी आपको कम को रहेगी, इसीलिए, ठीक है। इसीलिए इन कंक्रीट हीट आइलैंड मिनी फॉरेस्ट ग्रो 10 गुना, जो छोटे छोटे फॉरेस्ट बनाओगे तो 10 गुना जल्दी वो बढ़ेंगे बजाय कि आप 30 लगाओ, ठीक है, वो वाली चीज़ है। एयर नॉइज पोल्यूशन कम होगा, अट्रैक्ट करेंगे बहुत सारे बर्ड्स। अगर पूरा जंगल हरा भरा दिखेगा सब कुछ तो कहेंगे ना भाई ये रहा पार्क, चलो बैठ जाते हैं, बर्ड्स भी आएंगे, इंसेक्ट आएंगे, क्रिएट करेंगे। कार्बन सिंक होगा, ट्रीज के थ्रू होता है कार्बन सिंक, सोइल के थ्रू होता है, ठीक है। तो वो वाली चीज़ें मियावाकी फॉरेस्ट डिज़ाइन किए गए हैं ताकि उस एरिया को भी रीजनरेट किया जा सके। अगर किसी भी एक बंजर ज़मीन पे भी अगर बहुत सारे पेड़ उग जाए, मान लीजिए किसी भी तरीके से हेल्प से पेड़ उग जाए, तो उसकी सॉइल के अंदर फर्टिलिटी आ जाएगी एंड द सॉइल कैन ऑल्सो बी रिकवर, ठीक है, रीजनरेट वो हो सकती है। तो देयर आर द लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स। नेक्स्ट न्यूज़ अपने अगर ये वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट करेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग डिक्रीज होगा, डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली होगा। लेकिन हर चीज़ का कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी होंगी, है ना, तो कहीं ना कहीं इसकी भी थोड़ी बहुत तो मिलेंगी हमें। अब कुछ स्पीसीज हैं जो इम्पॉर्टेंट है वो न्यूज़ में आई हैं, उनके बारे में हम लोग बात कर लेती हैं, ठीक है। हाँ, सब जगह तो पॉसिबल वैसे भी नहीं है ना, आप सब जगह इसको लगाना आसान भी थोड़ी है। लैंटेन कैमरा क्या है ये? इनके अंदर ना कैमरा, छोटे छोटे से कैमरे लगे हुए हैं। फिलहाल एक स्टडी की गई थी। लैंटेन कैमरा एक ट्रॉपिकल अमेरिकन श्रब है जो कि इंडिया के टाइगर रेंज में 40% से भी ज़्यादा आप लोगों को ये मिल जा रहा है। क्या मतलब? अमेरिकन की एक श्रब, एक झाड़ी है जो इंडिया की टाइगर रेंज स्पीसीज को इन्वेड कर रही है, उस पर आक्रमण कर रही है, इन्वेड कर रही है। तो ये इन्वेजिव स्पीसीज बन गई। और इन्वेजिव से मतलब होता है कि अगर ए स्पीसीज किसी बी क्षेत्र में जाए, वहाँ पे रहे और वहाँ के तौर तरीके ना सीखे और वहाँ के लोकल से जाके झगड़ने लगे, आक्रमण करने लगे या अपने पैर बहुत ज़्यादा फैलाने लगे, ठीक है, या एनवायरनमेंट को पोल्यूट करने लगे, वहाँ के सिस्टम को बिगाड़ने लगे, तो आप ए स्पीसीज को इन्वेजिव कहोगे। व्हाट यू कॉल दैट, इट इज़ इन्वेजिव, ठीक है। तो समझ गए कारण क्या होता है। अमेरिकन की जो श्रब है वो इंडिया के 40% से भी ज़्यादा एरिया कवर कर रही है, तो वी आर कॉलिंग इट अ पुटूस फूल, ओके। हाँ, अभी इग्नोर करने की चीज़ ने फेमस हो गया फ्लावर भी, देख लो। लैंटेन वर्ल्ड के 10 मोस्ट इन्वेजिव स्पीसीज में से एक है, 10 में से एक नाम है भाई का। इट कंप्लीट नेटिव प्लांट फॉर स्पेस एंड रिसोर्सेज के लिए, और ये ऑल्टर करता है सॉइल की जो न्यूट्रिएंट साइकिल होते हैं, न्यूट्रिशन को जो साइक्लेट करने के लिए जो होता है उसको भी ऑल्टर करती है। ये टॉलरेट कर सकती है हाई टेम्परेचर और मॉइस्चर को भी टॉलरेट कर सकती है, ठीक है. इफ ईटन द लीव्स कैन इंड्यूस एलर्जी ऑन द मजल्स ऑफ द एनिमल्स. अगर एनिमल्स इसको खा लें या कुछ वैसा हो तो एलर्जी वगैरह जो है वो हो जाती है. सम केसेस में एक्सटेंसिव फीडिंग ऑन द लैंटेन हैज लेड टू द डायरिया, लीवर फेलियर और एनिमल की डेथ भी होने के चांसेस होते हैं. ठीक है, फाइन. चलो भाई, ये तो काफ़ी फेमस स्पीसीज है मैंडरिन डक, जो कि एक ब्यूटीफुल डक है, जो कि रशिया से घूमते घूमते रास्ता भटक गई और इंडिया की तरफ आ गई. ठीक है, माइग्रेटरी है ये. दैट ब्रीड्स इन द रशिया, कोरिया, जापान और द चाइना के पार्ट में भी, लेकिन घूमते हुए इंडिया में आ गई है. फिलहाल ये एक थ्रेटन्ड बर्ड तो नहीं है ग्लोबल लेवल पे, लेकिन फिर भी ये बहुत कम ही दिखाई दे रही है. फिलहाल इसका कोई स्टेटस हमें ऐसा नहीं लगता कि खतरे में है, लेकिन इसकी अपीयरेंस कम होती है, घर से बाहर कम निकलती है ये. ठीक है, तो भी इतनी सुंदर है. फिलहाल ये हमें असम में एक मागुरी मोटापंग वेटलैंड है, डिब्रू-साइखोवा के नीचे है मागुरी मोटापंग, जिसके वहाँ से ब्रह्मपुत्रा रिवर भी क्रॉस करती है. उसी मोटापंग वेटलैंड में हमें ये मिली है. ठीक है, लोकेट करती है डिब्रू के पास में. इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया ने भी इसको जो है वो डिक्लेयर किया गया है BNHS के द्वारा, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री के द्वारा. एक क्वेश्चन था एक बार, आई थिंक वो इसमें था, KBC में था शायद, कि जो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है BNHS, ये किस चीज़ से रिलेटेड है? क्या ये किसी प्लांट से रिलेटेड है, क्या किसी हिस्टोरिकल इवेंट से रिलेटेड है, या कोई स्पेशल स्पीसीज से है बर्ड की, या कोई वेटलैंड से है? ये चार से ज़रूरत है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बर्ड वगैरह से जो है वो चीज़ जुड़ी हुई है. फाइन, गिव मी अ थम्स अप गाइज एवरीवन. अब देखो, मैपिंग कर लो. देखिए यहाँ पे ये है मागुरी मोटापंग वेटलैंड, जो आप ये देख रहे हो, ये है डिब्रू-साइखोवा नेशनल पार्क, जो ग्रीन बीच में है. इसके साउथ में थोड़ा सा चलोगे तो एक वेटलैंड आप लोगों को देखने को मिल जाएगी. नेक्स्ट आता है हिमालयन सीरो, अगेन इंपॉर्टेंट न्यूज. पहली बार जो हिमालयन सीरो है उसको असम के अंदर स्पॉट किया गया. That was spotted in Assam. पहले ये हिमाचल प्रदेश में एक स्पीति वैली है, लाहौल और स्पीति वैली सुना भी हो आपने, वहाँ पे स्पॉट किया गया था, लेकिन अब इसको असम के मानस में देखा गया है. और मानस की बात करें तो जैसे ये असम है ना पूरा, इसके असम के इधर कॉर्नर पॉइंट पे आपको मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिल जाएगी. सिरो की और भी बहुत सारी स्पीसीज हैं, सारी ही एशिया में मिलती हैं. ठीक है, नेम चाइनीज़ लग रहा है, वहाँ से आ रहा था ना. चलो, मेल गाइस जो भी पहली बार है क्लास में, आई एम इन्फॉर्मिंग यू कि ये क्लास आप लोगों की रेगुलर हो रही है 5 PM. एनवायरनमेंट का फुल करंट अफेयर जो है वो हम यहाँ पे कवर करेंगे और बहुत ही नॉर्मल टॉक्स के साथ इन्फॉर्मेशन को लर्न कर लेंगे. वीडियो 1 से 2 से 3 बार ज़रूर देख लेना, ताकि यहीं पे चीज़ याद हो जाए, इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं पड़े. ठीक है, चलो. हिमालयन जो है बहुत से सीरोज और भी मिल जाएंगे और सारे ही एशिया में मिलते हैं. हर्बीवोर है, हिमालय में हर्बीवोर्स कह लो, मतलब मिल जाते हैं आपको. ठीक है, एंड टिपिकली फाउंड एट द एल्टीट्यूड पे मिलेंगे, 2000 मीटर से और 4000 मीटर के इतनी ऊंचाई पे नॉर्मली आपको मिलते हैं, लेकिन इनकी संख्या घटती जा रही है, इसीलिए इनको हाई प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, इसीलिए इनको शेड्यूल 1 में डाल दिया गया है. क्वेश्चन एक बार आया था, अगर आप किसी भी स्पीसीज को शेड्यूल 1 में डालते हो तो उसका क्या तात्पर्य है, उससे क्या होगा? उसे ये होगा कि उस स्पीसीज की जो प्रोटेक्शन है, केयर है, एक बड़ी मेहमान के जैसे की जाएगी, उसको अच्छे पकवान दिए जाएंगे और उठते बैठते उसकी सेवा की जाएगी. समझ रहे हो, उसकी प्रोटेक्शन ज़्यादा होगी. IUCN ने इसको अभी वल्नरेबल दिया है. और MTR जो है वो मानस रिवर वहीं से निकलती है, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में से मानस रिवर निकलती है, इसीलिए ये नाम पड़ा है. ठीक है, नेक्स्ट कुछ और 2 स्पीसीज यूज में है. ये है एक सी वीड स्पीसीज, का मतलब होता है समुद्र के नीचे ना बिल्कुल गहराई में गहराई भी ज़रूरी नहीं है, समुद्र के अंदर कुछ वीड होते हैं, पेड़ जैसे होते हैं, जैसे ये भी आपको लग रहा है ना कि भाई थोड़ी श्रब सी होंगी, झाड़ियाँ सी होंगी, वैसे करके। तो सीवीड स्पीसीज़ हैं, दो नई रेड एल्गल सीवीड स्पीसीज़ मिली है, हैव बीन डिस्कवर्ड अलोंग इंडिया की कोस्ट लाइन पे दो नई एल्गल सीवीड स्पीसीज मिली है। एक का नाम है हाइपनिया इंडिका, जो ये रही हाइपनिया इंडिका, और एक का नाम है हाइपनिया बुलेटा, ठीक है। वन वॉज अ हाइपनिया इंडिका, वो कन्याकुमारी तमिलनाडु से मिली है और गुजरात में भी देखने को मिली है, और दूसरी है हाइपनिया बुलेटा जो कि कन्याकुमारी दीव अंडमान से मिली है, फाइन। और सी के जो इंटरटाइडल रीजन होता है, उसके अंदर का जो हिस्सा होता है, वहाँ पे ये ग्रो करता है, फाइन। तो जब एक्टिविटी वगैरह करते हैं समुद्र में जाके तो भी ये चीज़ उधर वहाँ पे आप लोगों को नॉर्मली मिल जाती है। एक और स्पीसीज है, नई बटरफ्लाई की स्पीसीज मिली थी जिसका नाम था नाकाधुबा सिन्हाल रामास्वामी सदाशिवन, जो कि वेस्टर्न घाट के अगस्तमलय से मिली थी। वेस्टर्न घाट के अंदर, वेस्टर्न घाट अगर हम बात करें तो आपके 6 स्टेट के अंदर वो आता है, गोवा से लो, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, ठीक है। 6 स्टेट हैं जिनके अंदर आप लोगों को वेस्टर्न घाट मिलता है। और अगर मैं बात करती हूँ अगस्तमलय बायोस्फीयर रिजर्व की, तो केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर आप लोगों को ये बायोस्फीयर रिजर्व मिलता है। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ अगस्तमलय नेशनल पार्क की, यह जगह की, तो वो सिर्फ आपको केरल में मिलता है। नाउ द क्वेश्चन टू यू, हाईएस्ट पीक ऑफ अगस्तमलय बायोस्फीयर रिजर्व कौन सी है? हाईएस्ट पीक कौन सी है और कहाँ पे है? व्हेन और वेयर, विच और वेयर, ठीक है, बताओ। चलो, वहीं से ये स्पीसीज जो है वो मिली है हमें। आगे चलते हैं, भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इम्पोर्टेंट है, गोवा में है। काफी सारे एनवायरमेंटल कंसर्न वहां पे शामिल हो रहे हैं, काफी सारे एनवायरमेंटल कंसर्न है। वेरी गुड आराधना, वेरी गुड। सेंट्रल एम्पावरमेंट कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट की है, उन्होंने गोवा को रेड फ्लैग किया है रेल प्रोजेक्ट कटिंग को, क्योंकि वहाँ पे एक रेल प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से ट्रीज को कट किया जा रहा है, और वो एरिया काफ़ी कंसर्निंग है। और उसी जगह पे मोलेम नेशनल पार्क भी है, इसीलिए ये चीज़ न्यूज़ में आई थी। तो एक बार मैपिंग कर लो। ये रही भगवान महावीर सेंचुरी गोवा में, और इसके नीचे ही आप लोगों को मोलेम नेशनल पार्क मिलेगा, ठीक है, ठीक है। और ये जो सेंचुरी है वेस्टर्न घाट की फूट हिल्स में मिलती है, ठीक है। गोवा के 4 प्रोटेक्टेड एरिया में सबसे बड़ी है ये। और फेमस दूधसागर वाटरफॉल आपने सुना भी होगा। अनाईमुडी, वेरी गुड, वेरी गुड। दूधसागर वाटरफॉल, जहाँ पे जो पानी है ना, वो इतना वाइट, इतना सफ़ेद है, बिल्कुल ऐसा लगता है मिल्क है, ठीक है, वो इस तरीके से शेप उसकी कुछ बनी हुई है। टूरिस्ट प्लेस भी है वो भी वहीं पे ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। फॉरेस्ट हैं, काफ़ी सारे फॉरेस्ट। अच्छा, ये बताइए, गोवा में एक क्वेश्चन है आप लोगों से, गोवा में किस तरीके के फॉरेस्ट एक्सेस में मिलेंगे? डेसीडुअस, टेम्परेट, ट्रॉपिकल या फिर एवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, कौन से तरीके के फॉरेस्ट आप लोगों को बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे देखने को मिलेंगे? जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में एवरीवन। उसकी लोकेशन के हिसाब से सोच के बताओ। चलो, भगवान महावीर सेंचुरी के अंदर डियर, सांबर्स, ये सब आपको अच्छे से मिल जाते हैं। फ्लोरा की बात करें तो प्राइमरी स्पीसीज आपको ट्रीज की मिल जाएंगी, जैसे टर्मिनेलिया या और सब चीज़ें याद करने की जरूरत नहीं, स्किप कर सकते हो, ठीक है। टेम्परेट नहीं आराधना, मैपिंग कर लो, मैपिंग जल्दी देखो। ये पूरा गोवा है, इसके यहाँ पे आपको भगवान महावीर सेंचुरी है। सिर्फ इतना याद रखो कि ये कोस्टल की साइड नहीं है, बल्कि ये वेस्टर्न घाट की एंडिंग साइड में आपको मिलती है। इसी के नीचे एक बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहीं पे मोलेम नेशनल पार्क भी आपको मिलेगा। ये पूरा सेंचुरी आते हैं, मोलेम नेशनल पार्क है, और इसी के यहीं पे आपको दूधसागर फॉल भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इसके साथ यहीं केरला के अंदर नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, इसको भी याद रखना, ठीक है। एक कोटी गांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये भी थोड़ा सा इसको याद रख लेना, इम्पॉर्टेंट अपने लिए है। ऑब्वियसली ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसीडुअस, ये संतोष जी कह रहे हैं डेसीडुअस, क्या बात है भाई, बहुत ही होशियार बच्चे बैठे अपनी क्लास में। अरे महारथियों सुनो, अभी ये है इंडिया, ठीक है, एंड दिस इज एन इक्वेटर लाइन, एज्यूम ये है इक्वेटर की लाइन, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन। तो इतनी बात तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे ही ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिलेंगे। तो टेम्परेट को तो आप लोग वैसे ही कैंसिल कर दो, ठीक है, क्योंकि ट्रॉपिकल में है, और ऊपर से इस ये वाली लोकेशन है, मान लो वेस्टर्न घाट वाली है, तो अच्छी खासी रेनफॉल हो रही है। जब साउथ वेस्ट मानसून होगा तो अच्छी खासी बारिश होगी, तो डेसीडुअस को भी कैंसिल कर दो ना। डेसीडुअस का मतलब सूखे पेड़, और मोइस्ट डेसीडुअस, वाह भाई वाह, ठीक है, ये भी जो है आप लोगों को कैंसिल करना होगा। इंडिया ट्रॉपिकल में है, सारा इंडिया ट्रॉपिकल में है। टेम्परेट हो गया, डेसीडुअस हो गया, अब ऑप्शन आपके पास बच गए ट्रॉपिकल और एवरग्रीन ट्रॉपिकल। मैंने आपसे पूछा कि सबसे ज्यादा कौन से मिलेंगे, ट्रॉपिकल तो सारे में मिल रहे हैं, एवरग्रीन क्योंकि बारिश अच्छी खासी हो रही है इस क्षेत्र में, इसीलिए एवरग्रीन ट्रॉपिकल मिलेंगे, हरे भरे पेड़ पौधे मिलेंगे वहाँ पे। समझ रहे हो, अभी समझ में आया कैसे आप लोग कनेक्ट करो, कैसे चीज़ों को एलिमिनेट कर दो, इसलिए बोलते हैं इसको। चलिए, तो दिस वॉज द थिंग। इसके बाद है शत्रुंजय हिल्स रिजर्व फॉरेस्ट एरिया, मोस्टली हाँ याद रखनी पड़ेंगी चीज़ें। ये शत्रुंजय हिल्स जो है वो कहाँ है, दैट इज़ इन गुजरात। गुजरात में एक जगह है भावनगर, और भावनगर इंडस्ट्रियल वगैरह के लिए भी फेमस है, ठीक है। आराधना, एग्जैक्टली हो, प्रीति, संतोष, एवरीवन। जो शत्रुंजय हिल्स है ना, शेर, शतरंजे शेर, शेर की जगह, इसीलिए यहाँ पे एशियाटिक लॉयंस काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे, इसका हैबिटेट है। लेओपार्ड्स भी यहाँ पे मिलते हैं, एज वेल एज हर्बीवोरस और ब्लू बल्स बुल्स भी आपको मिल जाएंगे भावनगर गुजरात के अंदर, ठीक है। शत्रुंजी रिवर भी है वहाँ पे। फॉरेस्ट के अंदर हिली ड्राई डेसीडुअस फॉरेस्ट मिलेंगे, डेसीडुअस भी मिलेंगे वहाँ पे। शत्रुंजी रिवर उस एरिया के आसपास घूमते, इसीलिए उसका नाम भी रिवर के नाम पे पड़ गया है। शत्रुंजी महातीर्थ है, भारत से ज़्यादा महातीर्थ आ गया, राइट, हाँ महातीर्थ है। पलीतना टेम्पल्स है, बिल्ट ऑन द हिल्स के ऊपर टेम्पल्स बनाए गए हैं, और काफ़ी पवित्र जगह है, जैन कम्युनिटी के लिए ये जगह काफ़ी ज़्यादा पवित्र जो है वो मानी जाती है। अब देखो इसकी लोकेशन, ये है गुजरात, ये है भावनगर। भावनगर में शत्रुंजय हिल्स आप लोगों को यहाँ पे मिलती है, नियर टू द कोस्टल है, थोड़ा नीचे की तरफ है, ठीक है, वो थोड़ा सा याद रख लेना। इसके बाद फुल मैपिंग करोगे तो ये रहा भावनगर, ये रहा, लोकेशन चेक कर लेना थोड़ा सा स्टेट की। और इसके नीचे आपको ब्लैक बक नेशनल पार्क भी मिल जाएगा, व्हाट यू फाउंड, ब्लैक बक नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क यहाँ पे है, तो ये भी याद करना होगा आप लोगों को। मरीन नेशनल पार्क गोवा के इस गुजरात के इस कॉर्नर पे आप लोगों को मिल जाएगा, और भावनगर में ही आपको शत्रुंजय हिल्स भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चलो कमिंग अहेड, वेम्बनाद लेक, थोड़ा करते हैं, टाइम ओवर हो गया है अपना। वेम्बनाद लेक, ऑब्वियसली नाम बताता है भाई मैं तो साउथ का हूँ, तो केरला में मिलने वाली है रिवर। प्राइम मिनिस्टर ने उनके मन की बात के प्रोग्राम में एक कुछ जिक्र किया था वेम्बनाड लेक का, याद कर लो इसके बारे में, बात खत्म। केरला की सबसे बड़ी लेक है, लॉन्गेस्ट लेक भी है आपकी इंडिया के अंदर। वलमकली या फिर एक रेस होती है, बोट रेस होती है जो वेम्बनाड लेक में होती है, नेहरू ट्रॉफी रेस इसको बोलते हैं, ठीक है, उसी को ही स्नेक बोट रेस भी बोलते हो, हर साल होती है, वो वेम्बनाड में ही होती है, ठीक है। ये वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल के रामसर के तहत उसका ही एक हिस्सा है। एक कुमारकोम एक वर्ड सेंचुरी है जो कि इसी की जगह पर लोकेट करती है। अगर हाल फिलहाल में वेम्बनाड दोबारा से न्यूज़ में रहती है तो कुमारकोम का भी चीज़ याद रखना इम्पोर्टेंट हो जाएगा। मैपिंग करोगे तो ये है कुमारकोम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, बर्ड सेंचुरी, यहीं पे आपको वेम्बनाड लेक मिलेगी जो कि इतनी लंबी है। देखो ये इतनी लंबी, ये सारा ब्लू वाला जो हिस्सा जो मैंने रेड कर दिया अभी, ये वाली, इधर कोची में, इधर देखो, दिस इज अ वेम्बनाड लेक। थिंक ऑन इट संतोष, थिंक ऑन इट। चलिए बाकी की न्यूज विल डू द लेटर, ठीक है, बाकी की न्यूज हम लोग फिर कल की क्लास में जो है वो कवर करेंगे। देयर आर द लॉट्स ऑफ न्यूज लेफ्ट नाउ, आज के लिए इतना ही कवर करते हैं, ओके। तो ये जिसकी भी ड्रीम कार है, सोचो इस ड्रीम कार को और इस ड्रीम को पूरा करने के लिए लग जाइए, राइट। एनवायरनमेंट का करंट अफेयर और बाकी सब्जेक्ट का करंट अफेयर आई विल बी कवर विद यू, ठीक है, मैं आप लोगों के लिए कवर सारा कर दूंगी अच्छे से, राइट। नोट्स के पीछे आपको नहीं भागना, दैट्स माई ड्यूटी, ठीक है। नोट्स वगैरह जो है आपको PDF पढ़नी है, वीडियोस को सुनना है 2 से 3 बार, जो भी चीज़ नहीं समझ आए वीडियो में बीच में जाओ और सुन लीजिए, राइट। और बहुत अच्छे से और ट्रिक्स बना के चीज़ों को लर्न करो, सो दैट विल बी हेल्प यू अलॉट, राइट। ये क्लास आपकी रेगुलर होगी 5 PM, तो प्लीज़ आप लोगों इस थोड़े से अच्छे से इन चीज़ों को कर लेना, ठीक है। चलिए प्रीति एंड आराधना, आप लोग पहले आ जाए हो क्लास में, सो प्लीज़ कंटिन्यू विद अस। पुरानी हो गई है, चलो। डू लाइक द सेशन, शेयर इट विद योर लॉट्स ऑफ फ्रेंड एंड सब्सक्राइब योर ऑन चैनल। PDF आप लोगों को अनअकैडमी अंकिता जिंदल और स्टडी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू। कमेंट करके बताना हाउ वाज